नमस्कार, मैं हूं शरद व्यास और न्यूज ट्रेक के फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। और नजर डालते हैं आज की सभी प्रमुख खबरों पर। कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 82 कैंडिडेट के नाम हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, इसमें 72 उम्मीदवारों के नाम दिए गए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कुछ जगहों पर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नकदी का संकट पैदा हो गया है। दिल्ली NCR, भोपाल, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और अहमदाबाद समेत देश के कई इलाकों में ATM में पैसे नहीं होने की शिकायतें मिल रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ जगह कैश की कमी है। RBI ने काम करना शुरू कर दिया है, 2 दिन में ये परेशानी खत्म भी हो जाएगी। इन दिनों चारों ओर IPL की धूम है और सभी टीमें एक दूसरे को पटकनी देने के लिए मैदान पर जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन इसी बीच क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मुंबई में गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें मेट्रो कंस्ट्रक्शन वर्कर उनके साथ खेल रहे हैं। फेसबुक डेटा लीक मामले पर कांग्रेस एक बार फिर से बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। डेटा अध्ययन करने में माहिर कैम्ब्रिज एनालिटिका फर्म के साथ संबंधों को लेकर कांग्रेस के बागी नेता शहजाद पूनावाला ने एक बड़ा खुलासा किया है। पूनावाला ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव की प्लानिंग तैयार करने की मदद की थी। इस रिपोर्ट का नाम डेटा ड्रिवन कैंपेन द पाथ ऑफ द 2019 लोकसभा है। इस रिपोर्ट को अगस्त 2017 में ही तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल अच्छे दिन के बारे में आप भारत में तो कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन अब यह जुमला पाकिस्तान में भी जोर पकड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि वहां अच्छे दिन का वादा कोई राजनयिक पार्टी नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना कर रही है। यह बात पाकिस्तान के उर्दू अखबार में सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के इस बयान को छापा है। एक पाकिस्तानी उर्दू अखबार का शीर्षक है अच्छे दिनों का इंतजार। न्यूज ट्रेक के फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने और जानने के लिए जुड़े रहिए newstreklive.com के साथ। नमस्कार।